खबर मथुरा से, थाना छाता पुलिस और स्वॉट टीम की गौकशी की घटनाओं में संलिप्त अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी से हुई मुठभेड़। इस दौरान पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त के पैर में लगी गोली, हुआ घायल। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के कुशल निर्देशन में गौकशी की घटनाओं को कारित करने वाले शातिर अंतर्राज्यीय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी छाता के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक छाता मय स्वॉट टीम द्वारा गौकशी की घटना को कारित करने वाले शातिर अंतर्राज्यीय अपराधी हनीफ पुत्र इस्माइल निवासी नई थाना बिछोर जिला नूह मेवात हरियाणा उम्र 45 वर्ष रविवार को नगरिया से जलालपुर जाने वाले रोड से पुलिस मुठभेड़ के दौरान बाएं पैर में गोली लगने से घायल अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। थाना छाता पुलिस और स्वाट टीम को 2-3 दिन से सूचना मिल रही थी कि छाता बरसाना रोड पर कुछ अज्ञात बदमाश घूम रहे हैं, वो चोरी लूट व गो तस्करी की फिराक में हैं। इस सूचना पर छाता पुलिस थाना छाता द्वारा चेकिंग आरंभ की गई थी। पुलिस को देखते ही बदमाशों द्वारा फायरिंग आरंभ की गई थी, जिसमें पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ है। इसका नाम हनीफ पुत्र इस्माइल है। यह बिछोर जिले का बिछोर थाने का हरियाणा का रहने वाला है। इसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस एवं खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। उसको उपचार हेतु अस्पताल में भेज दिया गया है। अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, JK News।